हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे बेस्ट 200 जीके के क्वेश्चन जो सितंबर मंथ के जितने भी हमारी वीडियोस हुई हैं वहां से लिए गए हैं। और ये जस्ट ये वीडियो इसीलिए लेके आऊँगा, हर महीने इस तरीके की वीडियो चलेगी, रीज़न बींग कि आपने जो महीने में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपके दिमाग में रहना, ये सबसे जो मेन मोटिव है इस क्लास का, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज जो है गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ एनिवर्सरी है, दोनों को जो है जो आपको सबको इन दोनों के हमारे जो भारत के इतने बड़े बड़े दिग्गज पर्सन हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मैं कहूँ तो लाल बहादुर शास्त्री वो पर्सन हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था जब हमारा देश जो है हमारी लड़ाई चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, देश में सूखा भी पड़ रखा था, तब जब ये सब चीज़ें बातें करी गई थी कि एक जगह के ऊपर हमारा किसान बैठा है और एक जगह के ऊपर हमारे जो है आर्मी के लोग बैठे हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और गांधी जयंती में जो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मैं ये कहूँगा जस्ट कि जो पर्सन जिसने चंपारण सत्याग्रह से लेके हमारे 1947 तक नौखाली डिस्ट्रिक्ट में जब हमारा देश जब अलग हो रहा था तो नौखाली डिस्ट्रिक्ट में बैठे वहां पे भी दंगे सुलझा रहे थे, तो वो पर्सन जिनका जो जिन्होंने जो है अहिंसा का रास्ता अपना के हमारे देश को आज़ाद करवाया और हमें प्रेरणा दी कि हाँ हम भी सच के साथ रह के किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर भी आपको बहुत शुभकामनाएं, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब जगह के ऊपर गांधी जी ने जो है हमारे देश की आज़ादी के लिए बातें करी, ठीक है। सो इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारे लिंक दिख रहे होंगे, ये आप लिंक आप यहाँ पे जो है अपने सेव कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। डाउट्स बच्चों के बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसको डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने दिन रखा है सैटरडे का, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा एक आधा दिन और ले लूँ उसके लिए कि डाउट सेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैं नहीं दे पाता इतने जवाब और वही क्वेश्चन पैटर्न के अंदर ही मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सैटरडे का दिन जो है ऑलरेडी रखा हुआ है, आपको पता है लास्ट सैटरडे भी क्लास हुई थी, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं रात को 12 बजे वाली क्लास भी चलती है हमारी, जो आरआरबी एनटीपीसी और प्लस ग्रुप डी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल रात को 12 बजे एक क्लास चलती है, ठीक है, वो भी एक आपकी क्विक रिविजन के लिए होती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलेंगे जी अपनी क्लास के ऊपर। सो देखते हैं आज हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या है, जिसको आता है फटाफट आंसर लगाते रहना है, ठीक है, लगाइए जी पहला क्वेश्चन लगाइए सर। So, पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, कौन से सेल जो हैं एड्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कौन से सेल जो हैं एड्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पहले तो आपको एड्स के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को होता है, और एड्स के लिए जो टेस्ट होता है इलाइजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसका जो वायरस होता है वो होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्लियर, जिसके कारण एड्स फैलता है। और इसके अंदर जो होता है हमारे कौन से सेल खराब हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, क्लियर, सफ़ेद रक्तानु। अब ये सफ़ेद रक्तानु क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में शक्ति प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि यहां पे जो सारे सेल लिखे गए हैं वो डब्ल्यूबीसी की प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कौन से सेल आपके खराब हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स खराब हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन। अब इसमें जो होते हैं एक बी और टी सेल्स होते हैं, बी सेल जो होते हैं आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और ये टी सेल जो होते हैं इनकी हेल्प करते हैं, और अदरवाइज पेपर में लिम्फोसाइट की जगह के ऊपर और भी क्या आ सकता है, हेल्पर टी सेल भी आ सकता है कि इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, हेल्पर टी सेल आ सकता है, डब्ल्यूबीसीज आ सकता है, क्लियर, ये ध्यान रखना। और अदरवाइज ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एड्स के अंदर कौन से सेल इफेक्ट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, क्लियर। बाकी जो यहां पे ऑप्शन जैसे मोनोसाइट है, ठीक है, ये बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट लड़ता है, न्यूट्रोफिल्स जो होता है बचपन में जो इम्यूनिटी होती है वो न्यूट्रोफिल्स के कारण आती है, आरबीसीज क्या है आपके जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन, और प्लस हमारे ब्लड का रेड कलर जी आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण आता है। नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन देखिए जी, लिंगराज टेंपल जो है ये मिडिवल पीरियड के टाइम पे बनाया गया था, ये किस पर्सन द्वारा और जो है किस जगह के ऊपर लोकेटेड है। सो लिंगराज जो टेंपल है ये भुवनेश्वर के अंदर है जी, उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर उड़ीसा।
सो आंसर क्या बनेगा जी, टू का ए ऑप्शन, भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, ये किसने बनवाया था, केसरीज ने बनवाया था, जो गंग रूल से पहले, जो गंग वंश था वहां पे, उससे पहले रूल करते थे। ठीक है, ए ऑप्शन बनेगा। दूसरा लिखा हुआ है खजुराहो, खजुराहो का टेंपल कहां पे, एमपी में है, क्लियर, एमपी मध्य प्रदेश। किसने बनवाया था, चंडेल वंश ने बनवाया था। थर्ड लिखा हुआ है मदुरई, मदुरई जो है तमिलनाडु के अंदर है, मीनाक्षी टेंपल है वहां पे। और प्लस आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो मदुरई इलाका है वहां पे ही जो गांधी जी ने ना अपने जो ऊपर शर्ट है वो उतार दी थी, यानी कि हाफ नेकेड सेंट हो गए थे वहां पे। ठीक है, और फोर्थ लिखा हुआ है माउंट आबू, माउंट आबू जो है आपकी चोटी है, और माउंट आबू के ऊपर जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में है। दिलवाड़ा टेंपल है वहां पे, दिलवाड़ा टेंपल गुजरात के अंदर, क्लियर, ये ध्यान रखना है, क्लियर, दिलवाड़ा टेंपल जो है गुजरात के अंदर है, सोलंकीज ने बनवाया था, सोलंकी ऑफ गुजरात बिल्ट दिलवाड़ा टेंपल इन राजस्थान माउंट आबू, क्लियर, ये ध्यान रखना, जो गुजरात के सोलंकी थे उन्होंने बनवाया था दिलवाड़ा टेंपल, कहां पे, माउंट आबू राजस्थान में, और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, क्लियर, आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आगे हमारे, द रेडिएशन यूज इन द फिजियोथेरेपी, रेडिएशन यूज इन द फिजियोथेरेपी इज, जो फिजियोथेरेपी, ऑब्वियसली बात है फिजियोथेरेपी हम कराते हैं हमारी बॉडी को हीट पहुंचे, इनमें से कौन सी वेव है जो बॉडी को हीट प्रोवाइंगी और हीट के लिए यूज करी जाती हैं, ये होती हैं आपकी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इंफ्रारेड रेज, बी ऑप्शन, क्लियर। अब इंफ्रारेड रेज और कहां पे यूज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका टीवी रिमोट होता है, ठीक है, टीवी रिमोट के आगे एक लाइट सी लगी होती है, अगर आप उसको चैनल चेंज करके हाथ छूओगे ना तो वो भी गर्म फील होती है, तो वो कौन सी रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज, क्लियर, IR, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा जो डेंजरस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो अगर घुस जाए तो निकलती नहीं है, वो होती हैं गामा रेज, क्लियर, गामा रेज जो है सबसे डेंजरस है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी, जब रेडियो एक्टिविटी होती है तब भी गामा रेज हमेशा एंड में निकलती हैं। और प्लस एक ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सरे जो है आपकी जो है रॉन्टजन ने डिस्कवर किया था, और हमारे बॉडी के जो है पार्ट्स को देखने के लिए, हम पिक्चर क्लिक करने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऐसे जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, किनके रेड ब्लड सेल्स हैं जो न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए, जो आरबीसीज होते हैं इनके अंदर जो है न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता, इसीलिए हम आरबीसीज को क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि केंद्रक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझना है, दो ऐसी स्पीशीज हैं हमारी एक्सेप्शनल हैं, एक है कैमल यानी कि ऊंट, और एक है लामा, ये दो ऐसी स्पीशीज हैं जिनके आपके सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 और 2, ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, कैमल एंड लामा। और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, हीम क्या करता है, ब्लड का लाल कलर लेके आने में हीम हेल्प करता है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और आरबीसीज की कमी प्लस हीमोग्लोबिन की कमी अनीमिया, और आरबीसी ग्रेवयार्ड कौन से आरबीसीज का, आपका लीवर और स्प्लीन, दोनों आपके ग्रेवयार्ड हैं, मैक्सिमम कहां पे खत्म होते हैं, स्प्लीन के अंदर, दूसरे नंबर के ऊपर लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर, क्लियर, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट लगाइए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमारी बैटल ऑफ पानीपत जो है वो तीन जगह के ऊपर हुई है, तीन बार लड़ाई हुई है, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल। सो पहली बैटल ऑफ पानीपत जो हुई है वो किसमें हुई है, इब्राहिम लोदी और बाबर की। ठीक है, जब आपका बाबर ने हरा दिया था और जो है मुगल वंश इस्टैब्लिश हो गया था 1526 में, और सेकंड बैटल हुई थी 1556 के अंदर, जिसमें हेमू और अकबर की लड़ाई हुई थी। अकबर की साइड से मानसिंह लड़े थे। और थर्ड बैटल हुई थी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास की पावर यहां पे खत्म। डेट मीन्स ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, G20 जो होता है ग्रुप है आपका, G20 ग्रुप है लार्जेस्ट इकोनॉमीज का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें कौन कौन से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये G20 ग्रुप है, G20 जो है इस बार 2019 की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी ओसाका जापान के अंदर,
ओसाका जापान के अंदर ये मीटिंग हुई थी, और इसके अंदर जो होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी देश के आपके सेंट्रल गवर्नर होते हैं, सेंट्रल गवर्नर यानी कि हमारे देश के बैंकों को सॉल्व करने वाले वो सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं, वो इसमें जाते हैं। दैट मीन्स सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, शिवाजी और अफजल खान। शिवाजी और अफजल खान जो हैं बिल्कुल सही है जी, शिवाजी ने एक ही बार में ही उसको अफजल खान को मार दिया था, ठीक है। दूसरा है नूरजहां महाबत खान। नूरजहां जो है ये बिल्कुल जी, नूरजहां जो है जहांगीर की वाइफ है, और जब महाबत खान ने जहांगीर के अगेंस्ट जो है खिलाफत कर दी थी, तो नूरजहां ने उसके अगेंस्ट जो है सेना भेजी थी, क्लियर। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है अकबर राणा प्रताप, बिल्कुल सही है जी, इनकी बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी 1576 में, 1576 में जो है लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी। फोर्थ ऑप्शन है बाबर और बैरम खान। बाबर और बैरम खान कोई भी लिंक नहीं करते, क्योंकि बैरम खान आया था हिमू के समय के ऊपर आया था, हिमू का कमांडर इन चीफ था, उसके बाद जो है उसने अकबर को पाला था, बाबर से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, सेवंथ का आपका डी ऑप्शन बनेगा, क्लियर, सेवंथ इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एट्थ, लॉरेंस कर्व जो है हमारा क्या दर्शाता है, लॉरेंस कर्व क्या होता है। पहली बात तो लॉरेंस कर्व बताता है कि कितनी पॉपुलेशन के पीछे कितनी इनकम है, कितनी आय उनको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है और कितनी इनकम है और उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये बताता है कौन, लॉरेंस कर्व, क्लियर। आपको मैं बताता हूं एक और क्वेश्चन, एक तो होता है लॉरेंस कर्व, ठीक है, एक होता है लॉरेंस कर्व, एक होता है कुजनट कर्व, ये याद रखने आपको क्वेश्चन, कुजनट का एक होता है गिनीज कोफिशिएंट, क्लियर। ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं, क्लियर। ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। इनइक्वालिटी के लिए बात करते हैं, असमानता के लिए बात करते हैं, किसकी असमानता, इनकम की, ठीक है, इसीलिए वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अभिनव भारत जो है 1904 में हमने फाउंड आउट करी थी, इसमें रेवोल्यूशनरीज कौन से थे, कौन से लोग जो हैं रेवोल्यूशनरी इसमें जिन्होंने चलाई थी, अभिनव भारत जो है ये चलवाई थी जी, जिन्होंने हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखी थी 1857 के ऊपर बुक लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लियर। और ये जो है वीडी सावरकर जी हैं जिन्होंने लिखा था कि हाँ हमारे देश की पहली लड़ाई कौन सी थी, 1857 की थी, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए ऑप्शन में देखो, चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया था, रैंड कमीशन को मारा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंड कमीशन जो था प्लेग के लिए कमीशन बनाया गया था, ठीक है, और इसका जो इसके लिए रैंड कमीशन को जब मारा था ना, तो एक पर्सन थे बाल गंगाधर तिलक ने इनका कंपैरिजन, दामोदर और रैंड का जो कंपैरिजन है उन्होंने किसके साथ कर दिया था, शिवाजी के साथ अफजल खान के साथ, यानी कि शिवाजी का रोल यहां पे कौन प्ले करेगा, आपके सावरकर जी, और अफजल कौन है, रैंड कमीशन। तो जब इन्होंने किया तो ये पर्सन जो है ना बाल गंगाधर तिलक पहली बार जेल गए एक पत्र में अपना लिखने के लिए, ठीक है, कि जब उन्होंने पत्रिका के लिए जो है आपके लेटर के अंदर जब लिखा था, तो इसके लिए पहले पर्सन थे जो जेल में गए थे, और मांडले जेल भेजा गया था इनको 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा में भेजा गया था। और ये बर्मा में मांडले जेल है, ध्यान रखना, दो बार गए हैं, एक अभी जाएंगे और एक जाते हैं जब आपका सूरत स्प्लिटअप होता है 1907 में, ठीक है, सूरत विभाजन के बाद भी ये जाते हैं, क्लियर। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जो हैं ये दो रेवोल्यूशनरी है, यंग रेवोल्यूशनरी हैं। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने जो है मैजिस्ट्रेट के ऊपर जो है किंग्सफोर्ड मैजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंका था, जिसमें प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को गोली मार ली थी, और जो आपका खुदीराम बोस थे उनको पकड़ा गया था और उनको फांसी दी गई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, वीडी सावरकर। नेक्स्ट लगाइए, इफ वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट विद द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जाने कि अगर वेस्ट मटेरियल को पानी के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे डिजीज कौन सी फैल सकती है, तो उससे कौन सी डिजीज फैल सकती है जी। 10th क्वेश्चन, टाइफाइड फैल सकता है, बी ऑप्शन। और टाइफाइड के लिए कौन सा आपका बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी,
साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्लस आपको पता होना चाहिए टाइफाइड के लिए एक टेस्ट है, दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन, क्लियर। और यहां पे जो लिखा गया स्कर्वी, स्कर्वी किसके लिए होता है, विटामिन सी के लिए। और मलेरिया, मलेरिया के अंदर जो है कौन से सेल इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा आरबीसी सेल, आरबीसी इफेक्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा हमारा एक ऑर्गन है लीवर इफेक्ट होता है। और अनीमिया लिखा गया है, अनीमिया क्या होता है, आपके हीमोग्लोबिन आरबीसी की कमी को हम कहते हैं। नेक्स्ट लगाइए जी, 11वां क्वेश्चन, इट्स कलमकारी, कलमकारी जो पेंटिंग है, कलमकारी जो पेंटिंग है ये किसके लिए रेफर होती है, ये साउथ इंडिया के अंदर हमारी पेंटिंग है जो हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर, आंध्र के अंदर जो है ये करी जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, ये बनेगा ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन द साउथ इंडिया, यानी कि ए ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। अब आप एक चीज देखिए, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर मैंने आपको शायद कल भी बताया था, अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर देखते हैं तो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन है, एयर पोल्यूशन के अंदर जो होता है आपका लाइकन होता है, लाइकन क्या होता है आपका, एक होता है एल्गी और एक होता है फंगस, इन दोनों की जो चीजें हैं, दोनों चीजें जुड़ती हैं तो लाइकन बनता है। और इसके अंदर जब ये एटमॉस्फेयर में दिखने लग जाए तो सल्फर पोल्यूशन का इंडिकेटर है और वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है, जाने के डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, और फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एडिबल फंगस कौन सा है, मशरूम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको सारी चीजें। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को खाने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को खाने में स्टमक के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। हमारे दो एंजाइम होते हैं स्टमक के अंदर दो एंजाइम कौन कौन से है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेनिन एंजाइम होता है, जो हमारे दूध में प्रोटीन होती है कैसिनोजन, कैसिनोजन एक प्रोटीन होती है, ये मिल्क प्रोटीन है, जिसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये मिल्क प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैसीन के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आंसर बनेगा, बी ऑप्शन, पेप्सिन ऑप्शन में है, क्लियर। और HCL होता है हमारा स्टमक के अंदर, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, अमाशय के अंदर HCL भी होता है, क्लियर। ए ऑप्शन देखिए जी, ए ऑप्शन जो है ट्रिप्सिन, वो भी है, लेकिन वो कहां पे निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस से, क्लियर, जाने के आपके अग्नाशय रस से निकलता है। सी ऑप्शन देखिए आपका सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या करता है, सी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट को पाचन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, और आपके कहां पे, ये माउथ के अंदर। और प्लस सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन होता है, पी साइलेंट होता है यहां पे, टाइलिन इसका दूसरा नाम है, क्लियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मुद्रा क्या है, इसमें से जो है मुद्रा क्या है, व्हाट इज मुद्रा। So, मुद्रा एक आपकी स्कीम थी जो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में चलाई थी तो 2015 में, ठीक है, ये स्कीम चली थी, और इसका फुल फॉर्म क्या था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, क्लियर। और इसके लिए जो है इसको संभालने वाला बैंक कौन सा है, सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मुद्रा में देख लीजिए क्या है, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है, ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है, जिसमें जो आपके माइक्रो यूनिट्स को जो है आपकी डेवलपमेंट के लिए बात करी जाएगी, और प्लस जो है लोगों को जो है फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिनको फाइनेंस देना बंद हो चुके थे उनको भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है मैक्सिमम आपका 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, क्लियर। और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए शिशु, किशोर और तरुण नाम की स्कीम्स हैं, क्लियर। शिशु में जो है अप टू 50,000 तक का लोन मिलेगा आपको, और यहां पे किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का, अप टू 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और 5 लाख से तरुण में 10 लाख तक का लोन मिलेगा। दैट मींस आपको मैक्सिमम लोन यहां पे मिलेगा 10 लाख का, ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए,
ऐसे कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से जो है घिरी हुई है, बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरी हुई है। अब यहाँ पे एक स्टेट है जी त्रिपुरा, जो आप मैप में देखना जाके, त्रिपुरा जो है सारी जगह से पानी से मतलब बांग्लादेश से घिरी हुई है। और बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है हमारे इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर। 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ लगती हैं, वो कौन कौन सी, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय मिजोरम और जो है त्रिपुरा। ठीक है, सो 5 स्टेट यहाँ पे लगती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी निकल जाता है पेपर में कि हाँ अच्छा ये बताओ बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा बाउंड्री कहाँ पे लगती है, तो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए जी, 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वेव जो है पोलराइज नहीं की जा सकती। आपको मैंने अगर याद हो, अगेन ये याद करो चीज़ें सारी जो हमने डिस्कस करी हुई हैं, तो पोलराइजेशन जो होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल होती है, जो परपेंडिकुलरली चलती है। ठीक है, किस में, कौन सी, जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, क्लियर, ओनली ट्रांसवर्स वेव में होती है। लेकिन यहाँ पे जो वेव्स हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव, देखिए जी जो अल्ट्रासोनिक वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक क्या होती है, साउंड वेव होती है, क्लियर। और इसकी जो जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अल्ट्रासोनिक वेव हम और कहाँ यूज़ करते हैं, सोनार मेथड में, साउंड नेविगेशन एंड रेंज में, और अल्ट्रासोनिक जो है आपके अगेन अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होती है, क्लियर। कोई भी चीज़ अगर समुद्र के नीचे पड़ी हो तो भी हम अल्ट्रासोनिक वेव से उसको पता करते हैं, इसीलिए आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, क्लियर, अल्ट्रासोनिक वेव पोलराइज नहीं की जा सकती, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, द केमिकल डेट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरस, वायरसेस के अंदर जो है कौन सी चीज जो होती है ये इनवेरिएबली फाउंड होती है। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं बताता हूं, वायरस के अंदर जो होता है, ठीक है, वायरस के अंदर क्या होता है, एक ऐसे होता है बीच में मटीरियल होता है, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड, और ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, और बीच में क्या है आपका, न्यूक्लियर मटीरियल। ठीक है, डीएनए आरएनए कुछ भी, आरएनए मैक्सिमम होता है। एक होते हैं आपके प्रायोन, ठीक है, प्रायोन के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली लेयर होती है, यानी कि प्रोटीन होता है, इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट है ना वो नहीं होता। एक होते हैं वीरियोइड्स, ठीक है, वीरियोइड्स, उसके अंदर क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है आपका कौन सा, यानी कि उसके अंदर जो होता है कैप्सिड नहीं होता, और सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये कैप्सिड नहीं होता और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर, न्यूक्लिक एसिड होता है किसके अंदर, वीरियोइड्स के अंदर, इसमें ऐसे, क्लियर। और वायरस को डिस्कवर किसने किया था, आइवेनो वस्की ने, और इसको टोबैको के अंदर जो है सबसे ज्यादा पहली बार देखा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरसेस के अंदर, क्लियर, आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, प्रोटीन। नेक्स्ट लगाइए, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये होता है जहां पे आपके सारे मोशंस, जितने भी चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, एब्सोल्यूट चीजों का मतलब ये होता है, एब्सोल्यूट जीरो का। डेट मीन्स ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक होता है ट्रिपल पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपके सारे चीजें जो है सॉलिड लिक्विड गैस आपकी एग्जिस्ट करती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, क्लियर, पानी के। और एक आपका पूछा जाता है कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो मर्करी होती है, जो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, -39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाती है। लेकिन 39 के माइनस में, और हम इसके बाद कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, अल्कोहल थर्मोमीटर यूज किया जाता है, और अल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम यूज कर सकते हैं, क्लियर, ये ध्यान रखना। अगर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि मर्करी जम जाए तो उसके बाद कौन सा हम थर्मोमीटर यूज करेंगे, अल्कोहल थर्मोमीटर यूज करेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर। 19th, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो अंडे देती है, जो हमारा क्या कहने का मतलब ये है, मैमल है जिसमें वो अंडे देता है लेकिन यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करता। 19th क्वेश्चन, दो स्पीशीज ऐसी हैं, कौन सी, एक होती है डक बिल्ड प्लेटिपस और एक होता है आपका स्पाइनी आंटीटर, ठीक है, और जिसको आप एक्डीनिया भी कहते हैं।
तो यहाँ ये दो चीज़ें हैं, ये दो मैमल हैं जो स्तनधारी हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन, जाने के स्पाइनी एंड ईटर एक्डिनिया ऑप्शन में आपके दिया गया है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये है जी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट मीन्स डी ऑप्शन। बाकी जो है रिजर्व है उत्तराखंड में है जी, ये उत्तराखंड में, क्लियर। कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता, नंदा देवी है, गल्फ ऑफ मनार है, सुंदरबन है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मनार आपका जो है तमिलनाडु के पास लगता है, आपका मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पे है आपका, अगेन उत्तराखंड के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट, सो 21 क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन अलग करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन अलग करता है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को अलग करने वाली जो भूमि है वो आपकी कौन सी है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, मैंने आपको बताया भी था आसिरगढ़ फोर्ट है वहां पे, आसिरगढ़ फोर्ट जो है की ऑफ डेक्कन है, साउथ में जाने के लिए की है वो, क्लियर। और ये कौन सी आपकी यहाँ पे हिल्स हैं, विंध्यास, सो विंध्यास हिल जो है आपकी बिल्कुल सेंटर पे पड़ती हैं, सी ऑप्शन। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में एक रिवर जाती है जिसे आप कहते हैं नर्मदा, ठीक है, और ये क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली, क्लियर, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारा 22वां क्वेश्चन लगाइए जी, इनमें से जो है नॉन अल्कोहलिक बीवरेज जिसको आप क्वीन बीवरेज के नाम से जानते हैं, क्वीन बीवरेज के नाम से जानते हैं, जाने के सब जगह पे ये चीज़ें चलती हैं, तो टी के अंदर, जाने के आपकी चाय, और चाय की जो सबसे ज़्यादा खेती है हमारे इंडिया में असम में होती है, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है, और फर्स्ट नंबर पर आता है कौन, चाइना आता है, क्लियर, ये ध्यान रखना है, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डीफॉरेस्टेशन जो होता है इसमें होती है किसमें कारण हो सकती है, डीफॉरेस्टेशन जब आपके फॉरेस्ट खत्म हो जाएं, जाने के आपका जब सूखा पड़ जाए, बिल्कुल सही है जी, फ्लड आ जाए तब भी हो सकता है, और मृदा अपरदन जाने के सॉइल इरोजन हो जाए तब भी होता है, बिल्कुल सही है जी। सो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन, डीफॉरेस्टेशन चारों तीनों के कारण होती है। नेक्स्ट, बोन डिफॉर्मिटीज जो है, हड्डियां जो है आपकी खराब हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है, ये अगर हम फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ज़्यादा ले लें तब ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फ्लोरीन इंटेक ज़्यादा हो जाए तो हमारी हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, और उसको हम क्या कह देते हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस कहता है, कहा जाता है स्केलेटल फ्लोरोसिस, डैट मीन्स आपका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं और बोन्स के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर पेन होने लग जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल, जाने के बंगाल की खाड़ी के ऊपर, बंगाल की खाड़ी आपको पता है कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से साइक्लोन जो होते हैं आपके ऐसे आते हैं, यहाँ पे साइक्लोन ऐसे आते हैं, रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वार्म टेम्परेचर कंडीशंस मिल जाती हैं, जिसके कारण जो है वो हमेशा जो है इधर से इधर आता है, ईस्ट टू वेस्ट आता है, यानी कि ए ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा, ईस्ट टू वेस्ट, क्लियर, ईस्टर्न स्टेट के ऊपर जाके जाता है। और प्लस आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो बीच में सेंटर पे लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है, क्लियर, ये ध्यान रखना, हमेशा चक्रवात के साइक्लोन के सेंटर के ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर नजर आएगा आपको, ईस्ट टू वेस्ट होता है, क्लियर, ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए जी, 26 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं इनमें से कौन से हैं, पैरासिटिक प्लांट इनमें से कौन सा है, पैरासिटिक का मतलब जो डेड कंडीशन के ऊपर रहेंगे, सेप्रोफिटिक जिसे आप कहते हैं, और ये हमेशा कौन सा होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, डेट इज मशरूम, मशरूम जो है सी ऑप्शन, मशरूम कौन, क्यों, क्योंकि वो फंगस है, मैंने आपको बताया था फंगाई है, और फंजाई जो होते हैं वो डेड कंडीशन के ऊपर रहते हैं, तो फंगस क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा, पैरासिटिक। नेक्स्ट, 27 क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक स्टोव के अंदर जो होता है एलिमेंट वो किस चीज़ का बना होता है, ये एक वायर लगी होती है जो आपके वायर लगी होती है जो निकल और क्रोमियम की बनी होती है मेनली, और बीच में थोड़ा बहुत आयरन भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो उस वायर का नाम क्या है, नाइक्रोम वायर, डैट मीन्स आपका डी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा, और ये पूरी की पूरी हीट को कैप्चर करके रखती है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसके जो है क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसके जो हेडक्वार्टर है डेट इज लियोन, डेट मीन्स सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रैकोमा जो होती है एक डिजीज होती है, इनमें से कौन सी डिजीज है? ट्रैकोमा जो होती है डिजीज, हमेशा आईज की डिजीज होती है, और ये आईज के जो होती है ना इनर आईलिड्स अंदर को मतलब खुश्की सी होने लग जाती है और खारिश होती है और बहुत प्रॉब्लम देती है, आईज के साथ लिंक करती है, और आईज के साथ मैं आपको बताता हूँ ग्लूकोमा भी लिंक करती है, ग्लूकोमा ये भी पूछा जा सकता है, कैटारेक्ट भी पूछा जाता है, क्लियर, प्रेस बायोपिया भी पूछा जाता है, प्रेस बायोपिया भी इसके साथ लिंक करती है, एस्टिगमेटिज्म भी इसके साथ लिंक करती है, और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, ये भी सारी लिंक आईज के साथ करती हैं, और आईज में इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट लगाइए जी, 30th क्वेश्चन, हमारा सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? 30th क्वेश्चन, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है 149.5 मिलियन किलोमीटर, ये डिस्टेंस होता है, और एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट मींस सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। और प्लस मैं आपको यहां पे और चीज बता दूं, जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर जो लिखा गया है ये डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, डिस्टेंस के, क्यों? क्योंकि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है? 9.46 × 10^12 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर इसका यूनिट है, ध्यान रखना, अगर यहां पे वो मीटर दे गया ना, मीटर ऑप्शन में आ गया, तो 10^15 बन जाएगा यहां पे मीटर, क्योंकि किलोमीटर में मीटर 15 होते हैं। और दूसरा लिखा गया पैरालेक्टिकल सेकंड, दूसरा ऑप्शन है परसेक का, ये परसेक भी क्या है? डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, और ये परसेक कितने बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, क्लियर। एंगस्ट्रॉम टी ऑप्शन में लिखा गया है, वो 10^-10 मीटर होता है, आंसर इज सी ऑप्शन 149.5, क्लियर। नेक्स्ट लगाइए, स्मॉल पॉक्स जो होता है, चेचक एक घातक रोग है, ये किसके कारण फैलता है? ये एक अभी जो है ये घातक रोग है, ये वायरस के कारण फैलता है जी, ये जो वायरस के कारण फैलता है, और प्लस ये पहली मेडिसिन डिस्कवर इसके ऊपर ही करी गई थी, एडवर्ड जीनर जी ने जो है ये वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और प्लस मैं आपको और बताता हूँ कि स्मॉल पॉक्स को पूरा खत्म कर दिया गया है, एडवर्ड जीनर ने इसकी मेडिसिन को डिस्कवर किया था, वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, ये एक वायरल डिजीज थी, बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए जी, 32 क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटीन जो होता है अंडे में सबसे ज्यादा होता है? अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है, 32 क्वेश्चन इज एल्ब्यूमिन, बी ऑप्शन एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, ए ऑप्शन देखिए कैरेटिन कहां पे ज्यादा होता है? हेयर्स के अंदर, और प्लस जो है नेल्स के अंदर भी ज्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन देखिए कोलाजन कहां पे होता है? बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर, और डी ऑप्शन हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जाने के आरबीसीज के अंदर होता है, जो लाल रंग भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ हम हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं अगर हम उसको एसिड से मिला दें? ठीक है, तो देखिए जी क्या होता है कि जैसे ZN है उसको 2HCl से आप जब कंबाइन करते हैं, जिंक और जो मेटल और हाइड्रोजन क्लोराइड को करते हैं, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बन जाता है, इसका मतलब क्या बनेगा? ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, 33 इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट बुक है जी, रत्नावली बुक है, इसके जो है लेखक कौन है? रत्नावली के जो लेखक कौन है, ये एक हिंदू किंग है जो हमारे एंशियंट इंडिया में हम डिस्कस करते हैं, हर्षवर्धन जो है इनके राइटर हैं, क्लियर, इट मीन्स सी ऑप्शन। और रत्नावली के अलावा हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी थी? प्रियादर्शिका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और उसके बाद जो लिखा हुआ है तुलसीदास, ए ऑप्शन में तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखा था। कालिदास ने तो बहुत सारी बुक लिखी हुई हैं, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, रघुवंशा, क्लियर, अभिज्ञान शकुंतलम, क्लियर, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। प्रेमचंद लिखा गया है, प्रेमचंद जी ने क्या लिखी थी? गोदान बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगभूमि उनकी बुक है, क्लियर। और इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 35 लगाइए जी, 35 क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं,
पोलियोमाइलाइटिस जो होता है ये किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है जो इरेडिकेट कर दिया गया है हमारे इंडिया से। और प्लस ये किसके कारण होगा जी, 35 है जी बी ऑप्शन, दो बूंद जिंदगी की, क्लियर, डेट इज एंटीरो वायरस बी ऑप्शन। और देखिए एक मैं और बताता हूँ आपको, डेंगू लिखा गया है ए ऑप्शन में, डेंगू वायरस के कारण होता है, लेकिन फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, एडीज एजिप्टी, क्लियर, एडीज एजिप्टी। और डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। मम्स लिखा गया है, मम्स क्या होता है, ये आपके ग्लैंड की यहाँ पे दिक्कत होती है, पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथी, ठीक है। और डी ऑप्शन का रेबडो वायरस, जो आपका रेबीज वायरस हम कहते हैं, रेबीज, जिसमें आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, याद रखना, 35 इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन से लोग जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन से लोग जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, क्लियर। कहाँ के, पहला ऑप्शन है लोकसभा के करते हैं जी, दूसरा है राज्यसभा के करते हैं, ठीक है, तीसरा है आपके जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप विधानसभा कहते हैं वो है, ध्यान रखना है सबके सबके इलेक्टेड मेंबर है ये, इलेक्टेड मेंबर, क्लियर। और प्लस डी ऑप्शन में है यूनियन टेरिटरीज, दो हैं हमारी दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहां पे क्या है विधानसभा है, यहां पे भी पार्टिसिपेशन होगी, क्लियर। अब तो लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर भी यही सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, क्लियर। दिल्ली और पुडुचेरी को हमने 70th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एड किया था 1992 में, ठीक है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाएगा। और विधानसभा अब हमारी कितनी है जी, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जाने के स्टेट्स कितनी है अब हमारी, 28, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा की जगह के ऊपर पेपर में वो पार्लियामेंट भी दे सकता है, आंसर ये भी सही रहेगा। और इसका मतलब कौन वोट नहीं कर रहा, मनोनीत किए हुए लोग, नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं कर रहे, और आपका विधान परिषद वोट नहीं कर रहा, विधान परिषद को आप और क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। दैट मींस आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, मृच कट्टिका जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, मृच कट्टिका बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है जी शूद्रक द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, एंशिएंट इंडिया के अंदर आती है, शूद्रक, ठीक है, इट्स मीन 37 इज बी ऑप्शन, शूद्रक द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है कलहन, कलहन के ऊपर क्वेश्चन आता है सी ऑप्शन में, देखिए कलहन, कलहन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगनी, क्लियर, और ये बुक जो है कश्मीर के ऊपर लिखी गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे भी कश्मीर इश्यू चल रहा था, राज तरंगनी बुक कलहन ने लिखी गई है, ठीक है। और डी ऑप्शन देखिए बानभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी जाने के हर्षचरिता लिखी थी, हर्षचरिता किसने, बानभट्ट ने। नेक्स्ट लगाइए जी, 38 क्वेश्चन, डोल्ड्रम जो है, डोल्ड्रम क्या होता है, 38 क्वेश्चन देखिए, डोल्ड्रम क्या होता है, जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर और यहां पे 5 डिग्री और यहां पे भी 5 डिग्री, क्लियर, तो ये जो एरिया होता है ना, ये क्या होता है आपका डोल्ड्रम वाला एरिया होता है, और इसको आप और क्या कहते हैं, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी हवा चलती है नॉर्थ ईस्ट और यहाँ से जो हवा चलती है, ये दोनों मीट करती हैं यहाँ पे, क्लियर, जाने के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो भी विंड्स होती हैं यहाँ पे आके मीट कर जाती हैं, आपकी ट्रेड विंड जो है मीट करती हैं इस जगह के ऊपर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जानकि 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए, मार्क कर देना, कोलंबस ऑफ स्पेस एज किसे कहा जाता है, कोलंबस ऑफ स्पेस एज किसे कहा जाता है, ये वो पर्सन है जी जिसने आपके अर्थ को जो है, सॉरी स्पेस को जो है पहली बार गया था, और ये जो है रशिया का पर्सन है, और ये इनका नाम क्या है, यूरी गैग्रीन, दैट मींस सी ऑप्शन, 39 का सी ऑप्शन। बाकी जो ऑप्शन है मिथाली राज आपको पता है कि इन्होंने रिसेंटली जो है T20 मैचेस से क्या है रिटायरमेंट ली है, ताकि जो है ये वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस कर सके। कल्पना चावला जो है इंडियन अमेरिकन जो है एस्ट्रोनॉट है, जो पहली लेडी है इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में गई थी, क्लियर, और स्पेस शटल में गई थी, कोलंबिया स्पेस शटल में। और लीला सेठ लिखा गया है, लीला सेठ जो है पहली दिल्ली हाई कोर्ट की फीमेल जज हैं, और पहली चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हैं, कौन सी स्टेट हाई कोर्ट की, हिमाचल की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहली लेडी है दिल्ली हाई कोर्ट की जज, एज ए जज, और पहली चीफ जस्टिस किसकी है, स्टेट हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश की, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, कॉफी के लिए जो है, कॉफी के लिए इनमें से किसकी कल्टीवेशन कहां पे की जाती है, 40th क्वेश्चन। कॉफी जो है हमारे कर्नाटका में सबसे ज्यादा फेमस है और कहां पे, चिकमंगलूर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिकमंगलूर, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी जो है सीसीडी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ की डेथ हुई थी, उन्होंने भी चिकमंगलूर का बहुत जिक्र किया हुआ है जब भी वो अपना भाषण देते थे, ठीक है। और सीसीडी के हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलुरु में है, क्लियर, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 41, कैग जो है इनमें से कौन सी कमेटी इसके साथ जो है एसोसिएट करता है, एक दे दो, कैग जो है किस कमेटी के साथ एसोसिएट करता है। कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आपके जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको हैंडल करता है। और कैग का जो आर्टिकल है वो 148 है, ये ध्यान रखना, 148 नंबर आर्टिकल है। ये अपनी रिपोर्ट दे देता है प्रेजिडेंट को, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है और प्रेसिडेंट आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे देती है, ठीक है। इसीलिए कैग को हम क्या बोलते हैं कि कैग जो है वो आई एंड ईयर है, आई एंड ईयर है किसकी, पब्लिक अकाउंट की, क्लियर, और पब्लिक अकाउंट, और इसको गार्जियन भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक अकाउंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है, ये आगे रिपोर्ट क्या कर देती है, पब्लिश कर देती है, और हम क्या कहते हैं कि आ गया जी घोटाला निकल आया, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये काम किसके साथ करता है, एक्चुअली पैक के साथ। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब एक चीज और बताता हूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है इसके अंदर 22 लोग होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ दूसरा एक पार्ट आता है एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, क्लियर। ये एस्टीमेट कमेटी जो होती है इसके अंदर 30 लोग होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, क्लियर। और प्लस यही जो है एस्टीमेट कमेटी जो है पैक की क्या है, सिस्टर कमेटी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टर कमेटी, क्लियर, ये याद रखना है आपको। सिस्टर कमेटी कौन सी है, पैक और एस्टीमेट कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए, क्वेश्चन क्या कहता है, द डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इज ए डायरेक्ट डिमांड बट द डिमांड ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है, एक चीज को आप जो है बना रहे हैं उससे क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपकी चार चीजें होती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं, कौन सी, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, चार चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि किसी की डिमांड करिए और इससे जो है इसकी डिमांड पैदा होगी। अगर मैं कहूं मैं स्टील बनाने जा रहा हूं, स्टील फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं, तो स्टील फैक्ट्री के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होगी, लेबर की जरूरत होगी। जब स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए मैं आगे काम बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे लेबर की जरूरत होगी। तो इसका मतलब मैंने एक इसकी डिमांड करी तो इसकी डिमांड अपने आप पैदा होगी और ऐसी डिमांड को आप क्या कहते हैं, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, यानी कि इट्स व्युत्पन्न मांग कहते हैं, यानी कि एक चीज से जो है दूसरे की डिमांड जाग गई। ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट जो है प्यूरिफाइंग ड्रिंक वाटर, यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है और ये क्यों यूज किया जाता है, 43 क्वेश्चन। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी ऑप्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर जितना भी हो, जितनी भी चीजें हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, क्लियर, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, मैंगनीज हो, सबको डिजोल्व कर देता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, इंसुलिन के, इंसुलिन जो है आपका कौन से सेल से जो है, कौन से ऑर्गन से निकलता है। इंसुलिन आपको पता है कि क्या है, पहले तो ये हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, बीटा सेल से निकलता है और ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और कहाँ से निकलता है जी, पैंक्रिया से निकलता है। पैंक्रियास के कौन से सेल से निकलता है, इसलेट ऑफ लैंगरहंस से निकलता है, लैंगरहंस, ये आपको पता होना चाहिए, डेट मीन्स डी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ थाइमस, थाइमस एक ऐसी ग्लैंड होती है, जैसे जैसे हम एज में बढ़ते जाते हैं थाइमस ग्लैंड खत्म होती रहती है, बचपन में जो है ये प्रोमिनेंट होती है, चेस्ट के पास होती है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इस्ट्रोजन होता है, विमेंस के अंदर एक हार्मोन निकलता है, स्टेरॉइड्स के अंदर भी इस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कॉर्पस एपिडिडाइमस, ये क्या होते हैं, जितने भी टेस्टिस से, जितने भी आपके टेस्टिस से क्या निकलते हैं, जितने भी टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, जितने भी स्पर्म सेल्स निकलते हैं, स्पर्म सेल्स जो निकलते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं और आपके हेल्प करते हैं मैच्योर होने के अंदर, क्लियर, ये ध्यान रखना, कॉर्पस एपिडिडाइमस, आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, उनकी चार स्क्रिप्ट चार लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, इट्स ए 45 क्वेश्चन। इसमें उनकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, मगधी लैंग्वेज है, मगधी लैंग्वेज में लिखी गई है, ब्रह्मी लैंग्वेज में यूज करी गई है, और खारोष्ठी है और ग्रीक लैंग्वेज है। क्लियर, ध्यान रखो जी, चार लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन देख लो जी, कौन सा ऑप्शन है, ओनली वन, दैट इज ब्रह्मी लैंग्वेज ऑप्शन में है, तो 45 का ए ऑप्शन बन गया। और इनको पहले पढ़ने वाला पर्सन कौन था, जेम्स प्रिंसेप वो वॉज द फर्स्ट पर्सन। क्लियर, ध्यान रखना, ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सेंटर और स्टेट को डिस्प्यूट सेंटर करने के लिए जो है, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। देखिए जी, क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है वो क्या आता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है कि फेडरल करैक्टर को बना के रखना। फेडरल करैक्टर का मतलब क्या होता है, संघीय चरित्र। असंघीय चरित्र का मतलब ये होता है कि दोनों अपना अपना काम करें, कौन, सेंटर भी और स्टेट भी। अगर सेंटर और स्टेट का झगड़ा है, स्टेट और स्टेट का झगड़ा है, तो कौन सॉल्व करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। आर्टिकल 131 में लिखा गया है, ये एक ऑप्शन क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और एक होता है रिट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट डाल सकते हैं हम फंडामेंटल राइट के लिए, आर्टिकल 32 के अंदर। एक होता है एडवाइजरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस दे सकता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है किसमें, आर्टिकल 143 में। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, सबसे ज़्यादा एंड में कहाँ पहुँच सकते हैं हम, आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुँच सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा जी, इसका बी ऑप्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, ग्रेनाइट को अगर हम मेटामॉर्फाइज कर दें ये क्या बन जाएंगे। मेटामॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म वो होता है कि जब आपका हीट प्रेशर लगता है, क्योंकि हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो आपकी मैग्मा से जो बनती हैं, इसके ऊपर हीट प्रेशर का इफेक्ट लगता है, तब जाके जो है आपकी कौन सी बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। क्लियर, क्योंकि इग्नियस के बाद सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्री बन जाती है, फिर उसके बाद जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक क्या पूछा है, ग्रेनाइट रॉक जो है मेटामॉर्फाइज होके क्या बनाती हैं, नीस बनाती हैं। दैट मींस आपका बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। लेकिन सारे ऑप्शन लिखेंगे हम, बी ऑप्शन क्या बनेगा, नीस इज द राइट आंसर। क्वार्ट्जाइट जो है, क्वार्ट्जाइट जो बनता है वो किससे बनता है, आपका सैंडस्टोन से बनता है। और उसके बाद लिखा हुआ है मार्बल जो बनता है वो लाइमस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन से। और डी ऑप्शन लिखा हुआ स्टे इट्स ए स्लेट, स्लेट जो है डी ऑप्शन में लिखा गया है वो बनता है क्ले से और शेल, ये ध्यान रखना है। और इन तीनों रॉक्स में सबसे ज़्यादा जो ऑयल नेचुरल गैस वगैरह मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलते हैं ऑयल नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, जनरल डायर को मारा गया था, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो है शॉट मतलब उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, और प्लस ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इनको मारा किसने था। अब देखिए जी, क्या होता है कि जनरल डायर को जब मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था, कहाँ पे जो है लंदन में जाके मारा था उनको, क्लियर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे उस टाइम पे। और किसने मारा था, शहीद उद्धम सिंह ने, डेट इज सी ऑप्शन, 1940 में उनको मारा था, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। बाकी जहाँ पे जो ऑप्शन है, हसरत मोहानी वो पर्सन है जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ना, जो भगत सिंह ने फेमस किया था, इनके द्वारा वर्ड लिखा गया था, ठीक है। और वीर सावरकर वो हैं जी जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, मैंने आज ही अभी बताया था आपको। जतीन दास वो पर्सन है जिन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जब उन्होंने भगत सिंह ने भूख हड़ताल करी थी, तो जो 64th डे के ऊपर जिनकी डेथ हुई थी वो थे जतीन दास। क्लियर, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गांधी जी का साउथ अफ्रीका में कौन सा इसमें से न्यूज़पेपर था, वो था जी आपका 49th का ए ऑप्शन, डेट इज इंडियन ओपिनियन, साउथ अफ्रीका से लिखा था। हरिजन जो जेल में लिखा था जब उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था उस टाइम पे, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी उन्होंने स्टार्ट करी थी, यंग इंडिया भी इनका है। इंडियन मिरर जो है मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर जी का है, क्लियर, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर का है इंडियन मिरर, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट्स मैबोमियन ग्लैंड जो हैं वो कहाँ पे लोकेट करती हैं, इनमें से
फिफ्टीथ क्वेश्चन वो लोकेट होती हैं जी आइस के अंदर लोकेटेड होती हैं, और यहाँ पे जितने भी हमारे आइस से जो पानी निकलता है वो निकालते हैं ताकि इवेपोरेट ना हो, इनको टार्सल ग्लैंड भी बोलते हैं, टार्सल ग्लैंड। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइस के अंदर होती हैं और ये एक सब्सटेंस पैदा करती हैं हमारी आंख में जो है ऑयल सा प्रोड्यूस करती हैं ताकि हमारी आंखें गीली रहें। क्लियर, तो ये था आज हमारा पार्ट वन, नेक्स्ट वीक में पार्ट टू आएगा, बने रहिए इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और प्लस जो है आपको सब दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि उनके साथ मैक्सिमम चीज़ें पहुँचें। प्लस 12 बजे आज दोबारा से हमारी एक क्लास होगी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जिन्होंने क्लासेस नहीं देख रखी पहले वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बाकी जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट, सारी क्लास के लेक्चर, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक और जीमेल के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस यही चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से रहिए, त्योहारों का जो है टाइम चल रहा है, पटाखे वगैरह मत यूज़ करना क्योंकि अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।